नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने पर लगी रोक। बिहार के एक मॉडल को देखने इसरो के चीफ आएंगे पटना। देश भर में होगा लागू अब साइबर अपराध का यह नया तरीका अपना रहे साइबर ठग। अब भारत की इन हस्तियों को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का किया ऐलान। CSK को लेकर सुनील गावस्कर ने कही ये बात। इसके साथ ही बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने पर लगी रोक। बिहार की मैट्रिक परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। BSEB ने मैट्रिक की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि अत्यधिक ठंड होने के कारण इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब ठंड में कमी आने के कारण 10वीं की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर एग्जाम देने पर रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि 1500 से अधिक केंद्रों पर 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा देंगे। 23 फरवरी तक 2 पालियों में मैट्रिक की परीक्षा होगी। एग्जाम सेंटर को परीक्षार्थियों के लिए 1 घंटे पहले खोल दिया जाएगा। पहली पाली में परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बोर्ड ने 10 जिलों के एग्जाम केंद्र में बदलाव किया था। बिहार के एक मॉडल को देखने इसरो के चीफ आएंगे पटना। देश भर में होगा लागू। बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को देखने के लिए इसरो के चीफ S. Somnath पटना आएंगे। दरअसल यहां प्रखंड स्तर पर 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान देखने की व्यवस्था है। यहां स्वचालित मौसम केंद्र है। दिन भर में 96 बार 1 पंचायत से डेटा आता है। राज्य के इस मॉडल को अब पूरा देश अपनाने वाला है। इसकी तैयारी योजना एवं विकास विभाग ने शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले नासा के वैज्ञानिक भी इसे देखने के लिए बिहार के मौसम विज्ञान केंद्र में आए थे। बिहार के मौसम विज्ञान मॉडल की पूरे देश में तारीफ की जा रही है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल मई के महीने में मौसम सेवा केंद्र की शुरुआत की थी। इसके साथ मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण हुआ था। इसमें 5 दिनों पहले ही मौसम की सटीक जानकारी मिलती है। बिहार के किस जिलों में जल्द शुरू होगा सड़कों का निर्माण कार्य। बिहार में ग्रामीण इलाके को मुख्य सड़कों से जोड़ने की तैयारी की जा रही, ताकि ग्रामीणों को मंडी, अस्पताल, स्कूल, बैंक, थाना और प्रखंड कार्यालय तक जाने के लिए आवागमन बेहतर हो सके। ये सड़कें PMGSY के तीसरे चरण के तहत तैयार की जाएंगी। इन सड़कों को अन्य ग्रामीण सड़कों के मुकाबले चौड़ा बनाया जाएगा, जो करीब 1.5 लेन तक की हो सकती है। अगले महीने से 21 जिलों में करीब 1000 किलोमीटर लंबाई में सड़कों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। जिन जिलों में सड़क निर्माण शुरू होना है उनमें पटना, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, कैमूर, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया, बांका, सारण, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास और सीतामढ़ी शामिल है। इंटर की परीक्षा के 7वें दिन नकल करते धर आए 2 परीक्षार्थी। बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा जारी है। आज पहली पाली में कला संकाय के लिए संगीत की परीक्षा ली गई है। वहीं दूसरी पाली में कला संकाय के परीक्षार्थी की गृह विज्ञान और वोकेशनल कोर्स के लिए इलेक्टिव विषय ट्रेड पेपर 2 की परीक्षा निर्धारित है। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा के 7वें दिन भागलपुर और पूर्णिया से 1-2 परीक्षार्थी कदाचार करते हुए पकड़े गए हैं। इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। परीक्षा में ये परीक्षार्थी नकल करने के बाद निष्कासित किए गए हैं। 7वें दिन प्रथम पाली में भाषा विषय और द्वितीय पाली में मनोविज्ञान और एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा हुई। अब साइबर अपराध का यह नया तरीका अपना रहे साइबर ठग। साइबर अपराधी साइबर ठगी के लिए आए दिन एक से एक नए हथकंडे अपनाते नजर आते हैं। इन दिनों साइबर अपराध करने का एक और नया तरीका देखा जा रहा है। दरअसल पैसे ऐंठने के लिए ये साइबर फ्रॉड आपको डराने धमकाने तक की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे कई मामले पटना से इन दिनों सामने आए हैं, जहां ये साइबर ठग हर जगह कॉल करके कह रहे हैं कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि इन्हें छुड़ाना है तो दिए गए गूगल पे नंबर पर पैसे भेजने होंगे। इस दौरान ये किसी थाने का नाम लेकर भी लोगों पर विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को यकीन हो जाए कि सच में आपके किसी जानने वाले की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आप इन जालसाजी के झांसे में आने से बचे। ये कई जगहों से आपके नंबर का जुगाड़ कर सकते हैं, इसलिए इनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। पटना में इस तरह के कई मामले FIR भी दर्ज हो चुके हैं। बेगूसराय में गंगा किनारे स्थित सिमरिया धाम में ये होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। बिहार सरकार बेगूसराय में गंगा के किनारे स्थित सिमरिया धाम को पूरी तरह से पर्यटक स्थल के रूप में बनाने की तैयारी कर रही। इसे लेकर IPRD बिहार ने भी पोस्ट शेयर किया है, जहां बिहार सरकार द्वारा सिमरिया धाम पर मुख्य आकर्षण के रूप में जिन चीजों का निर्माण किया जा रहा उसकी चर्चा की जा रही है। साथ ही तस्वीर भी शेयर किया गया है। घाट पर मुख्य आकर्षण के रूप में पर्यटकों को 550 मीटर लंबी सीधी घाट और रिवर फ्रंट होगा। घाट के समानांतर नदी में सुरक्षा घेरा होगा, चेंजिंग रूम होंगे, गंगा आरती का स्नान होगा, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मंडप होगा और धर्मशाला व शौचालय की व्यवस्था भी होगी। आकर्षक लाइटिंग और प्लांटेशन, सुंदर पाथवे, पार्किंग व वॉच टावर देखने को भी मिलेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में अमित लोढ़ा को पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत।
बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोहरा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल स्पेशल विजिलेंस यूनिट को कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि इनकी जीवनी आधारित किताब पर वेब सीरीज बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी से अवैध तरीके से पैसे अर्जित करने के मामले में अगले 6 महीनों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करे। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में अमित लोहरा के खिलाफ मामले में मुकदमे की जाँच स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा किए जा रहे हैं। जाँच के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। इस मामले को रद्द कराने के लिए अमित लोहरा ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन स्पेशल विजिलेंस की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भी अमित लोहरा को कोई राहत नहीं दी है। साथ ही कोर्ट ने मामले को निष्पक्ष जांच करने के आदेश दे डाले हैं। अब भारत के इन हस्तियों को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का किया ऐलान। भारत के पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान केंद्र सरकार द्वारा कर दिया गया है। मालूम हो कि चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान देने की मांग लंबे समय से उठ रही थी, जिसे देने की घोषणा अब केंद्र सरकार द्वारा भी कर दी गई है। इस बात की जानकारी स्वयं पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया के आधिकारिक हैंडल एक्स पर दी है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भी यह सम्मान देने का ऐलान किया गया था। भागलपुर में एनआईए की छापेमारी के बाद शंकर यादव गिरफ्तार। गुरुवार को भागलपुर में एनआईए द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान भराड़ी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचे एनआईए और इनकम टैक्स की टीम ने प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद शंकर यादव को एनआईए की टीम द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान 1 करोड़ से भी अधिक कैश शंकर यादव के घर से मिले हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान शंकर यादव ने अपना बचाव करने की कोशिश भी की है, साथ ही कहा है कि मेरे ऊपर ये मुफ्त का आरोप है, मेरा कोई केस एनआईए में नहीं है। फ्लोर टेस्ट से पहले भाजपा और जदयू ने अपने अपने विधायकों की बुलाई बैठक। 12 फरवरी को बिहार की एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस के तो कई विधायक हैदराबाद भेज दिए गए हैं। बीजेपी 10 और 11 फरवरी को अपने विधायकों और विधान पार्षदों के लिए बोधगया में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। इन तैयारियों को देखते हुए सीएम नीतीश की पार्टी ने भी 11 फरवरी को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्षता सीएम नीतीश करने वाले हैं। इस दौरान वे अपने विधायकों और विधान पार्षदों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक विजय कुमार चौधरी के आवास पर होने वाली है, जहां एनडीए की सरकार को विश्वास मत हासिल करना है, इस पर चर्चा होने वाली है। विपक्षियों के बिहार में खेला होगा वाले बयान पर गिरिराज सिंह का ने साधा निशाना। बिहार में विपक्ष लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि खेला होना भी बाकी है। विपक्षियों द्वारा बार बार दिए जा रहे इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा, उन्हें पता नहीं है कि बिहार में जो खेला होना था वो तो हो गया, कितने दिन तक वे बिहार को लूटते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू और भाजपा के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी सरकार में आ गई है। बिहार की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहीं से कोई खेल होने वाला नहीं है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को मिली राहत। लालू यादव परिवार में कुछ सदस्यों को लैंड फॉर जॉब मामले में थोड़ी राहत मिली है। दरअसल राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। 4751 पेज की चार्जशीट इस मामले में ईडी द्वारा दाखिल की गई है। ईडी की यह पहली चार्जशीट लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर थी, जहां कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ईडी ने सुनवाई के दौरान बताया था कि आरोपी अमित कात्याल ने एक इंफोसिस्टम नाम की कंपनी का गठन वर्ष 2006-07 में किया था, जो एक आईटी से जुड़ी कंपनी थी। इस कंपनी ने वास्तविक रूप में कोई व्यापार नहीं किया, व्यापार करने की बजाय कई भूखंड खरीदे हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में भी इसमें एक भूखंड हासिल किया गया था। मालूम हो कि लालू परिवार से इन दिनों लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि राबड़ी देवी, मिसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत मिलने से थोड़ी राहत मिली है। पशुपति पारस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। बिहार में अब नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सरकार बन चुकी है। सदन में एनडीए सरकार अब 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने की तैयारी कर रही। एनडीए के घटक दलों में किसे कितनी सीटें मिलने वाली है, इसे लेकर भी चर्चा शुरू है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर पशुपति पारस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ 3 लोकसभा सांसद भी मौजूद थे, जिनमें महबूब अली, कैसर चंदन सिंह और उनके बेटे प्रिंस राज शामिल थे। इस बात की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल द्वारा दी गई है। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि इन सभी की भाजपा अध्यक्ष से 30 मिनट की बेहद ही सौहार्दपूर्ण मुलाकात रही। मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीति और अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल सिंह ने जीतन राम मांझी को दिया धन्यवाद। हम पार्टी के विधायक अनिल सिंह को मंत्री बनाने की मांग हम के संयोजक जीतन राम मांझी द्वारा की जा रही है। इस पर अब अनिल सिंह का बयान सामने आया है।
उन्होंने जीतनराम मांझी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि हमको मंत्री बनाने की मांग वह किए हैं, लेकिन इस पर निर्णय सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी को लेना है कि हमें मंत्री बनाया जाए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए एकजुट है, हम लोग एनडीए के साथ हैं, हर परिस्थिति में एनडीए का साथ दूंगा, मैं नाराज नहीं हूँ। सीएसके को लेकर सुनील गावस्कर ने कही ये बात। आईपीएल के मार्च 2024 से शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आईपीएल को लेकर लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा, लेकिन इससे पहले आईपीएल में धूम मचाने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीएसके एक बार फिर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये टॉप फोर में आएंगे। आप किसी भी टीम को हाँ नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से पसंदीदा कह सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार के आईपीएल में चर्चा देखने को मिल रही कि इस बार यह आईपीएल एमएस धोनी के लिए आखिरी सीजन हो सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है छोटू राजा, राजकिशोर महतो, शिवनंदन कुमार, पवन सिंह, विनोद महात्मा, शिवनंदन कुमार, कोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, चंदन मोहन मंडल, संघर्ष कुमार, कन्हैया कुमार, रवि कुमार, राम सादुल्ला पालवी, सचिन कुमार, सुदीप मंडल, मोहम्मद साकिर हुसैन, अर्जुन राम, उमेश ऋषिदेव, नवल किशोर झा, सुकुमार सिंह बादल, मोहम्मद नूर हसन, जगदीश शर्मा, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप कभी साइबर अपराध के चक्कर में फंसे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।